सावेर जनपद सीईओ कुसुम मंडलोई ने बुधवार को धर्मपुरी में मोर्चा संभाला, जहां सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान बनाए गए और वहीं पंचायत भवन में कोरोना की सैंपलिंग भी की गई। कोरोना महामारी शहर से अब ग्रामीण क्षेत्र में जा पहुंची है, जहां इन दिनों ग्रामीण अंचल में कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा अब ग्राम पंचायतों के स्तर पर सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं, जहां बुधवार को इंदौर जिले के सावेर के धर्मपुरी में इस सैंपलिंग अभियान की शुरुआत हुई। सावेर जनपद सीईओ कुसुम मंडलोई ने धर्मपुरी सोखलिया ग्राम पंचायत पर बुधवार को पूरा दिन मौजूद रहकर कई लोगों का कोरोना निरीक्षण करवाया, जहाँ कुसुम मंडलोई ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है, तो वहीं ग्राम पंचायत धर्मपुरी और बरलाई जांगीर पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की कोरोना सैंपलिंग की जा रही। साइबर क्षेत्र के सभी पंचायतों में आगामी दिनों में सैंपलिंग होगी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज की जा रही है यहाँ पर धर्मपुरी में, और क्या है पूरा? आपको पता होगा कि पिछले कई दिनों से जो कोविड के जो केसेस आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे, तो चूँकि शासन की तरफ से ये मुहिम चलाई गई है कि प्रतिदिन दो ग्राम पंचायतों में एक एक अलग अलग सैंपलिंग टीम जाएगी जो कि सैंपलिंग करेंगी। आज जो की शुरुआत की गई है, तो आज जो शुरुआत की गई है धर्मपुरी और बरलाई जागीर दो पंचायतों से की गई है। अब धीरे धीरे करके प्रत्येक पंचायतों में जहाँ केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर सैंपलिंग की टीम डेली जाया करेगी। किस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है, कैसे जागरूक किया जा रहा है? जो ग्राम पंचायतों में आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा की कोरोना अभियान 3 के तहत जो सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें कि संभावित संक्रमित लोग थे, उन लोगों को प्रेरित करके यहाँ पर लाया जा रहा है। उसके अलावा जो लोग स्वयं से जांच करवाना चाह रहे हैं, चूँकि यहाँ पर डोडी फीट करके सूचना दी गई थी, तो वो लोग भी करवा रहे हैं। दूसरी चीज़, हम सड़क पर से वे व्यक्ति जो बिना मास्क के यहाँ से जा रहे हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते के साथ साथ उन लोगों की सैंपलिंग भी करवा रहे हैं। मैम, धर्मपुरी में आज चालान वगैरह बने क्या, किसी कितने लोगों के? चालान बने हुए हैं, आई थिंक सो 4 से 5 लोगों के बने होंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव चालान ना बनाते हुए उन्हें सिर्फ सीख देना था, तो हमने सिर्फ उन लोगों की बेसिकली सैंपलिंग करवाई है। मैम, अभी किस तरह का देखा जा रहा है, आप कैसे जागरूकता, ग्रामीण क्षेत्र के हाल क्या है मैम? अभी जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र की यदि बात करें तो आज की डेट की हम बात करेंगे तो महज 213 केस एक्टिव केसेस हैं, जो कि बहुत अब ड्रॉप गिरता जा रहा है। आज भी जो पॉजिटिव की लिस्ट आई है वो महज 21 की आई है, जो कि बहुत अच्छा विषय है कि अब कोविड के केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब चूँकि सभी लोग इस चीज़ को लेकर के जागरूक हो गए हैं, चूँकि कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में तथा हमारे जिला सचिव के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा गाँव में मेडिकल किट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो जो भी संभावित संक्रमित लोग हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल में आया है। ग्रामीणों को आप क्या कहना चाहेंगे कोविड को लेकर? कोविड को लेकर सभी ग्रामीणों से सिर्फ मेरी एक ही निवेदन है, कहें एक ही आग्रह है कि वे अपना मास्क पहनते रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। आपका परिचय मैम? जनपद सीओ सावेर कुसुम मंडल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।